लुधियाना के द्रेसी मैदान के साथ स्थित शास्त्री वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों में भारी रोष। जानकारी देते हुए शास्त्री वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अजय वालिया बब्बू द्वारा बताया गया कि उनकी सोसाइटी की ओर से काफ़ी सालों से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक द्रेसी रोड पर बनाया हुआ है और पिछले कई सालों से उनकी सोसाइटी का बोर्ड जो कि पिछले 30-35 वर्ष से वही रोड के साथ लगा हुआ है, जिसको आज लुधियाना नगर निगम की ओर से उतार लिया गया। गौरतलब बात आज जहां स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है, वहीं आज कॉरपोरेशन में सरकारी छुट्टी भी होती है, लेकिन कॉरपोरेशन की ओर से कार्रवाई करते हुए बोर्ड को उतार दिया गया। इस बात में बोलते हुए और क्या क्या कहना था शास्त्री वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान बब्बू वालिया का, जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जनसभा एक्सप्रेस टीवी देख रहे मेरे सारे दर्शकों, बहुत बहुत ही नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। अज असी पहुँचे हैं द्रेसी ग्राउंड के, जिथे कि अज लाल बहादुर शास्त्री जी का 120वां जन्मदिन पूरा देश जिथे मनाया जा रहा है, उत्थे ही न्यू यंग फाई अपना शास्त्री क्लब चलाने वाली साड़ी एक लुधियाने की संस्था, जिन्हों के प्रधान अजय वालिया बब्बू जी साढ़े नाल ने, क्योंकि उन्हों का कुछ रोष है कि इतने एक पिछले 20-30 साल तक पहला तक पूरे लगातार इतने एक बोर्ड लग्या होया शास्त्री वेलफेयर सोसाइटी का। अज यानी कि 2 अक्तूबर है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस भी है, अज छुट्टी भी है, कॉरपोरेशन वाले अज बोर्ड ला के लै गए। पहला तो बहुत वड्डी गल है क्योंकि लुधियाना कॉरपोरेशन है जिहड़ी छुट्टी वाले दिन भी काम करन लग गई है, क्योंकि जिहड़ा अज 2 अक्तूबर छुट्टी होने के करके अज जिहड़ा बोर्ड ला लिया गया। आओ कुछ गलबात करते हैं शास्त्री वेलफेयर सोसाइटी के जिहड़े प्रधान ने अजय वालिया बब्बू जी नाल। बब्बू जी, अज जिहड़ा तुहाडा बोर्ड उतारिया गया उस बारे तुसीं की कहना चाहते जी? देखो, मैनू 4 बजे जूस वाले का फोन आया कि थोड़ा जिहड़ा क्लब दा इत्थे बोर्ड लग्या होया वह ला रहे नगर निगम वाले। उन्होंने पूछा भी कौन हो तुसी, वो कहिंदा असी नगर निगम तो आए हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने भी ओए ओए कह के गालां गुलां कढ़ के चले गए। तो उस तो बाद मैं इत्थे आया 4 बजे, जोनल कमिश्नर नूं 2 बार फोन मारिया पता करन वास्ते भी तुसी साडा अज छुट्टी वाले दिन भी शहर च कोई होर बोर्ड भी लाया, पुछना सी उन्होंने भी जो साडे बोर्ड लाए, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं चक्या। और अज सवेरे असी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया, और अज उन्होंने जन्मदिन के दिहाड़े ते ही जिहड़ा पिछले 25-30 साल तो इत्थे असी संस्था चला रहे हैं और जिहड़ा बोर्ड इत्थे लगता आ रहा, अज तक किसी नूं इतराज़ नहीं होया। सानू ये नहीं समझ आए भी ये बोर्ड क्यों लिया, किने लाया, क्यों लवाया, किदां लिया, किदां नहीं लिया। असी ये सोचां च पए होए हैं, असी ये सरकार नूं भी पुछना चाहते हैं भी अज तक पिछली सरकारां चों भी किसी ने भी साढ़े इस बोर्ड नूं शास्त्री जी जिहड़े साढ़े देश दे बहुत ही वधिया प्रधानमंत्री गिने गए ने, पर उन्हां दे जन्मदिन वाले दिन ही उन्हां दा बोर्ड ला दिता गया। इत्थों असी तां इस प्रशासन नूं पुछना चाहते हैं, तुसीं पिछे जिहड़ी है आण जिहड़े चुनाव लंघे गए है 1.5 साल पहला जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तुसीं कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस तुहाडी समझो कि एक तरह की सरकार तुहाडी अपनी है, सरकार दे विच रहिंदे होइआ तुसीं जिहड़ी शास्त्री वेलफेयर सोसाइटी तुसीं चला रहे हो, फिर भी तुहाडे बोर्ड उतारे जा रहे ने, इहदा की कोई राजनीतिक मंशा जां कोई अंदरों कोई तुहाडी गुटबंदी है, इस बारे तुसीं की कहना चाहते जी? देखो, साडी किसी नाल साडी जिहड़ी सोसाइटी है एक समाज सेवी संस्था है, साडी किसी नाल कोई गुटबाजी नहीं, और असी कुछ देर वास्ते मतलब कांग्रेस पार्टी असी छड्डी नहीं सी, असी पूर्व जिहड़ा अपना MLA सी कांग्रेस पार्टी का उन्हें साड़ के नाराजगी सी, इस करके असी आम आदमी पार्टी के MLA जिन्हों टिकट मिली सी अशोक प्रेशर पप्पी जी, उन्हों का दिन रात असी 1.5-2 महीने ला के असी साथ दिता, हर जगह पर उन्हों का साथ दिता, और फिर भी उन्होंने इलाके दे विच उन्होंने भी पता है कि साढ़ा इतने 25-30 साल का बोर्ड लगता आ रहा है, साढ़े फंक्शन से भी वो आते हैं, उसके बावजूद साडा बोर्ड लै गया, सानू नहीं समझ आई क्यों लिया।